गार्जियन और गुरु माननीय श्री संजय मौर्य जी को आमंत्रित करते हुए ये कहना चाहूँगा कि शेरों तुम्हें स्वतंत्रता पुकार रही है, उठने को नई बुलंदी समा तुम्हें ललकार रही है। और क्या मर चुका है खून चंद्रगुप्त अशोक का, ये भारत की आत्मा तुम्हें धिक्कार रही है। इसी आवाज के साथ माननीय संजय मौर्य आदरणीय गुरु जी, सबसे पहले आज गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर समस्त आए हुए साथियों को हमारे मंच पर बैठे हुए सभी अतिथियों को हम संजय कुमार मोहन गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। साथियों, निश्चित तौर पर आज गणतंत्र दिवस है, एक राष्ट्रीय पर्व है हम भारतवासियों के लिए, और ये 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम सेलिब्रेट करते हैं। सर के साथ हैं क्या? यह जानना बहुत जरूरी है कि हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। भारत एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए 26 नवंबर संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के तहत लागू हुआ, और भारत का यह संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। और इसी दिन भारत पूर्ण रूप से गणतांत्रिक राष्ट्र है, अर्थात हम भारतवासियों के लिए एक संविधान लागू हुआ जिससे भारत में कानून का राज स्थापित हो सके, साथ ही साथ देश के समस्त नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले। इसलिए देश के प्रत्येक नागरिकों के लिए यह दिन बहुत खास है, महत्वपूर्ण है। इसे हमें, हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं, इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। तो देश के संविधान से संचालित होता है, संविधान से देश का संचालन होता है। हमारे देश के संविधान से इसलिए होता है कि देश में कानून का राज स्थापित हो सके, इसलिए देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि संविधान की पुस्तक जहां तक संभव हो सके अपने घरों में हमें रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि देश का मालिक इस देश की जनता है, और अगर मालिक को अपने अधिकारों का भी पता नहीं होगा तो इस देश का क्या होगा, लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। दुनिया के जितने भी विकसित राष्ट्र, उन देशों के नागरिक अपने देश के संविधान के अपने घरों में रखते हैं, उसमें उनके जो अधिकार हैं उसके प्रति वो सजग होते हैं। जरा आप सोचिए कि जब देश में संविधान नहीं था तब क्या था? आपको शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार नहीं था, आपको राजनीति करने का अधिकार नहीं था, आपको संगठन बनाने का अधिकार नहीं था, आपको विचार और अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता नहीं थी। आज संजय मौर्य यहां से अगर माइक से बोल रहे हैं तो ये भी अधिकार संविधान लागू होने से पहले नहीं था। सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता नहीं थी, न्याय पाने का अधिकार नहीं था, लेकिन तब हमारे सामने यह समस्या थी, तब देश के प्रत्येक नागरिक के सामने यह समस्या थी, पर भारत के मनीषियों ने संविधान सभा के क्या हुआ है? देखो, 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 दे
भारत के मनीषियों ने संविधान सभा के अध्यक्ष परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान लिखा तो देश के प्रत्येक नागरिक की समस्या का समाधान हो गया। कहते हैं कोई गुरु, कोई मार्गदर्शक, कोई पथ प्रदर्शक आपको रास्ता दिखा सकता है पर चलना आप ही को पड़ेगा। कोई गुरु, कोई मार्गदर्शक आपको विधि बता सकता है पर उस विधि का पालन आपको ही करना है। कोई गुरु आपको जागृत कर सकता है पर जागना आप ही को। ठीक वैसे जैसे तथागत बुद्ध ने एक मार्गदर्शक की तरह एक विधि बताया कि संसार में दुख है तो दुख का कारण है, कारण का निवारण है और निवारण के उपाय है, विधि है। अर्थात रोग है तो उसकी दवा है, औषधि है, मेडिसिन है। तो बुद्ध ने मनुष्य के दुख निवारण की औषधि बता दिया, विधि बता दिया। जिन जिन लोगों ने उसका पालन किया, उस विधि का उपयोग किया, उस औषधि का उपयोग किया, उनके दुखों का निवारण हो गया। अंगुलीमाल का हो गया, सम्राट अशोक का हो गया, आनंद का हो गया, मुग्धलायन का हो गया, ऐसे लाखों लोगों का हो गया। तो बुद्ध ने एक गुरु की हैसियत से, एक मार्गदर्शक की हैसियत से विधि बता दिया, दुख निवारण की औषधि बता दिया। जिन जिन लोगों ने उसका प्रयोग किया वो मुक्त हो गए। ठीक उसी तरीके से, ठीक वैसे ही संविधान सभा के मनीषियों ने, संविधान सभा के अध्यक्ष परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान लिखकर देश के प्रत्येक नागरिक को विकास करने का रास्ता प्रशस्त कर दिया, देश के प्रत्येक नागरिक के दुखों का निवारण कर दिया। अब उस रास्ते पर हम चले ना तो लिखने वाले का कोई दोष नहीं। 26 जनवरी 1950 को जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ। देश के प्रत्येक नागरिक को उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शिक्षा पाने का, विचार अभिव्यक्त का, न्याय पाने का और संगठन बना करके अपने अधिकारों को संरक्षण करने का अधिकार मिला। तो संविधान लागू होते ही देश के प्रत्येक नागरिक के विकास की परिस्थिति पैदा कर दिया। तो प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक प्रोफेसर कूले ने द ओरिजिन ऑफ लाइफ में लिखा कि जीवधारी जिन परिस्थितियों में विकास करता है, यदि उसके विकास करने की परिस्थिति नष्ट कर दी जाए तो जीवधारी स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे किसी बीज को अंकुरित होने का वातावरण, एटमॉस्फियर नष्ट कर दिया जाए तो वह बीज भी अंकुरित नहीं होगा। ठीक वैसे ही किसी समाज का विकास करने की जो परिस्थिति होती है, अगर वो नष्ट कर दिया जाए तो फिर वह समाज भी नष्ट हो जाए। तो देश में संविधान नहीं था तब हमारे विकास करने की परिस्थिति नहीं थी, पर संविधान लागू होते ही आपके विकास की परिस्थिति पैदा हो गया। जिस घर में प्रवेश करने के लिए ताला जड़ दिया गया था, संविधान लागू होते ही उस घर का ताला भी टूट गया। अब आप उस घर में प्रवेश कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं। अब आप कब्जा न करें तो इसमें लिखने वाले का, ताला तोड़ने वाले का कोई दोष नहीं। तो संविधान एक नियम है, एक विधि है, एक संहिता है, एक कानून है। इसका सही सही पालन हो तो देश में एक मर्यादित राज्य की, एक अच्छे राज्य की स्थापना हो सकती है। तो ठीक जिस तरह से हम लोग अपने घर की सुरक्षा के प्रति चिंता करते हैं, जिस तरह से प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर की चिंता होती है, अपने घर के प्रति सजग रहता है, ठीक वैसे ही देश के प्रत्येक नागरिक को अपने देश के संविधान के प्रति भी सजग रहना चाहिए। संविधान ही हमारा धर्म ग्रंथ है, इसकी सुरक्षा करना देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य बनता है।
अब आप जरा सोचो, यदि आप संविधान की रक्षा करेंगे तो समझो कि पूरे राष्ट्र और समाज की आप रक्षा करेंगे, और पूरे राष्ट्र और समाज की रक्षा करेंगे तो समझो कि आप पूरे परिवार की अपने रक्षा कर रहे हो। तो बदलना हम सबको चाहिए, पर कुछ लोग बदलने चल दिए संविधान को। कुछ ऐसी भी सोच के लोग इस देश में हैं। तो जातियों, बहुत ज्यादा समय न लेते हुए हम इतना ही कहना चाहेंगे कि किसी भी देश को महान तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक कि उस देश में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर महानता का गुण पैदा ना हो। जब तक कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर महानता का गुण पैदा ना हो, यह काम देश के मार्गदर्शक का, पथ प्रदर्शक का, शिक्षक का, प्रोफेसर का होता है। क्यों? क्योंकि शिक्षक समाज का गाइड, गार्जियन और राष्ट्र निर्माता होता है, समाज का निर्माता होता है। शिक्षक कुम्हार होता है, कुम्हार दक्ष है तो सुंदर घड़े का निर्माण करता है, और दक्ष नहीं है तो घड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ठीक वैसे ही अगर इस देश के मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक अगर सही नहीं होंगे तो देश सही नहीं होगा। इस देश के शिशु, बालक, विद्यार्थी, समाज, राष्ट्र को तराशने का काम अगर कोई करता है तो निश्चित तौर पर इस देश का मार्गदर्शक शिक्षक करता है। शिक्षक किसी भी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। वो चाहे तो पूरे राष्ट्र को सजाने और संवारने का भी काम कर सकता है, और चाहे तो पूरे राष्ट्र को बिगाड़ भी। तो आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा, तथागत गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक महान इसी देश में पैदा हुए थे, तो एक राजकुमार, एक सम्राट, पर बन गए शिक्षक। शिक्षक बन करके उन्होंने राष्ट्र और समाज को तराशने का ही काम किया। आपने देखा होगा कि तथागत बुद्ध ने अंगुलीमाल को तराशने का काम किया, वही अंगुलीमाल जिसने 1000 मनुष्यों को मारने की प्रतिज्ञा किया था, 999 लोगों की हत्या कर चुका था। 1000वें जब बुद्ध पहुंचे तो वो बदल गया। बदला ही नहीं, तथागत गौतम बुद्ध ने उसे धम्म की भच्ची में तपा कर उसे कुंदन बना दिया, उसे महान और महामानव बना दिया। वही अंगुलीमाल जो विधि के विरुद्ध काम करता था, विधि के अनुकूल काम करने लगा। वही अंगुलीमाल जो हिंसक था, वो अहिंसक हो गया। वही अंगुलीमाल जो अत्याचारी था, वो सदाचारी हो गया। वही अंगुलीमाल जो अन्यायी था, न्यायी हो गया। वही अंगुलीमाल जो विध्वंसक था, सृजनात्मक हो गया। वही अंगुलीमाल जो कानून और संविधान की धज्जियां उड़ा रहा था, तथागत बुद्ध ने उसे तराश करके कानून और संविधान के सम्मत बना दिया, विधि के अनुकूल बना दिया। तो गौतम बुद्ध ने एक शिक्षक की हैसियत से एक व्यक्ति को तराशा, और अपने समय में लाखों लोगों को तराशा होगा। जरा आप सोचिए, सम्राट अशोक ने आज जो राष्ट्रध्वज तिरंगा में अशोक चक्र है, धम्म चक्र है, वो क्यों लिया गया? ये वही धम्म चक्र है। जब आप धम्म का पालन करते हैं, ये 24 तीरियों में जो है 24 सूत्र है उसी का पालन करते हैं, ये आप देश के कानून का पालन करते हैं, और ये धम्म चक्र विधि का पालन, विधि का विधान जो किसा कहते हैं प्रतीक के कानून का पालन करवाता है। तो सम्राट अशोक ने अपने समय में तथागत गौतम बुद्ध के इस धम्म को लागू कर पूरे देश को तराशने का ही काम किया। 84,000 विद्यापीठ, 23 यूनिवर्सिटी, कहते हैं उस समय शैक्षिक पावर 75%। तब जरा सोचो, अमेरिका, रूस, जापान, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों का कहीं अता पता नहीं था। तब उस महान शासक ने भारत में 23 यूनिवर्सिटी, 84,000 विद्यापीठ खोले, और सभी विद्यापीठों में धम्म लागू कर दिया। धम्म 23 यूनिवर्सिटियों में, 84,000 विद्यापीठों में यह लागू करके पूरे देश के नागरिक को, यहां तक के विद्यार्थियों को तराशने का काम किया। और तराश करके सम्राट अशोक ने इस देश के विद्यार्थी को, देश के नागरिक को तराश करके महान और महामानव बना दिया।
और तब चीनी यात्री ह्वेनसांग को यह बात अपनी पुस्तक लाइट ऑफ एशिया में लिखना पड़ा कि लगता है भारत में भारत के लोग नहीं बसते, किसी देवलोक से आके भारत में बस गए हैं। यानी ऐसे हाई क्वालिटी के संस्कार, आदर्श, नैतिकता पैदा हुआ इसकी वजह से। जब देश की जनता, देश का विद्यार्थी और यहां तक कि खुद देश का राष्ट्राध्यक्ष सब विधि के अनुकूल हो गए, तो जरा आप सोचो कि वह देश कैसा रहा होगा। वही एक ऐसा देश जिसको आप कहें कि एक मर्यादित राष्ट्र की स्थापना किया सम्राट अशोक ने, विधि के अनुकूल पूरे देश को और स्वयं को अनुकूल विधि सम्मत बना लिया अपने आप को। तो यह काम भारत में दो बार संविधान लागू हुआ, पहली बार सम्राट अशोक ने लागू किया और दूसरी बार 26 जनवरी 1950 को जब भारत में संविधान लागू हुआ, जो आज हम लोग मना रहे हैं, इस दिन दूसरा संविधान भारत में लागू हुआ। वही संविधान सम्राट अशोक ने लागू कर अक्षरशः पूरे देश से और स्वयं पालन करके एक महान राष्ट्र का निर्माण किया था। और हम लोग भी अगर पूरा इसी विधि का, इसका संविधान का अक्षरशः पालन करें तो निश्चित तौर पर भारत को पुनः महान राष्ट्र बनाया जा सकता है, निश्चित तौर पर बनाया जा सकता है। ये महान सम्राट अशोक ने वही काम किया। तब लोक प्रसिद्ध इतिहासकार कहते हैं परमानंद सिंह, जिन्होंने लिखा कि जिस तरह से धार्मिक क्षेत्रों में तथागत बुद्ध ईसा मसीह मोहम्मद साहब आदि अगर श्रद्धा के योग्य है, पूजनीय है, वंदनीय है, ठीक वैसे ही राजनीतिक रंगमंच पर अगर कोई पूरे भूमंडल में श्रद्धा के योग्य है, पूजनीय है, वंदनीय है, तो निश्चित तौर पर वह महान सम्राट अशोक है। और इसीलिए उनके सारे चीजों को भारत के संविधान में पिरोया गया। और यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ जो आज पूरी दुनिया का संचालन करता है, उसने भी सम्राट अशोक के ही दर्शन को अपनाया है। तो आप मामूली आदमी समझते हैं सम्राट अशोक। इसीलिए जब जहां जहां शांति सेना संयुक्त राष्ट्र संघ भेजता है तो वहां पर शांति स्थापित हो जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ वहां पर सम्राट अशोक की एक लाठ जरूर गड़वाता है। यह पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए कितने गौरव की बात। तो साथियों, बहुत सारे वक्त है, कार्यक्रम सीमित करना है, तो कहते हैं कि आप कौन हो इतिहास के झरोखों से पूछो, पत्थर पर उकेरे गए उन अक्षरों से पूछो, और फिर भी मेरी बातों का यकीन नहीं तो नालंदा और तक्षशिला के ध्वस्त खंडारों से पूछो, खंडारों से पूछो। और इसी पर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को यह कविता लिखना पड़ा कि यह खंडहर उनका जिनका जग कभी शिष्य और दास बना था, और यह खंडहर उनका जिनसे भारत भू का इतिहास बना था। ये वही खंडहर है, ये वही विश्वविद्यालय है जहां से पढ़कर पूरी दुनिया को भारत ने अपना चेला बना लिया था और भारत विश्वगुरु हो गया था। यही बात राष्ट्रकवि रामधारी सिंह इशारों में कहते हुए कहते हैं। साथियों, मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। हमारे बहुत सारे अतिथि हैं, नहीं तो मैं बहुत सारी बातें और भी बोल सकता था। तो शॉर्ट में कहते हुए, हम आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी का संजय कुमार बोल पूरे सम्मान के साथ दिल खोलकर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं, बधाई देता हूं।